अरुणाचल प्रदेश के सेपा जिले में स्थित कामेंग नदी से बड़े पैमाने पर मछलियों की मौत की खबर आ रही है। बीती रात अचानक पानी मटमैला होने से नदी में जलीय जीवन गंभीर खतरे का सामना कर रहा है। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि इस क्षेत्र में खराब मौसम की किसी भी तरह की कोई रिपोर्ट नहीं है। सेपा जिला मीन विकास अधिकारी हाली ताजो के अनुसार मछलियों की मौत पानी के मटमैले होने के कारण हुई है। नदी के पानी के मटमैला होने से ऑक्सीजन की कमी हुई होगी। वहीं स्थिति को देखते हुए वन विभाग ने भी मछलियों की मौत पर गंभीर आशंका जताई है। इधर मछलियों की मौत की खबर के बाद स्थानीय लोग मछलियां लेने के लिए भीड़ कर रहे हैं। कामेंग नदी की मछलियां जो 1000 रुपये प्रति किलो से अधिक रुपए में बिकती है, अब 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेची जा रही है। वहीं जिला चिकित्सा अधिकारी ने लोगों से परीक्षण से पहले मछली का सेवन न करने की अपील की है।